रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आज मैं स्पेशल कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। आपके बच्चे, आपकी बेटी, आपका बेटा, मैं उनके बारे में और आपके बारे में बात करना चाहता हूँ कि आपके वो संतान जो आपके हृदय से भी प्यारे हैं, सुबह उठते हैं 5 o'clock शिशु क्लॉक टू गो टू स्कूल, आफ्टर वो स्कूल जाएंगे, वहां पर वो स्टडी करेंगे, काम करेंगे, वहां पे वो टायर्ड हो रहे हैं, सुबह से उठा हुआ है बंदा, आप स्कूल में 1 o'clock 2 o'clock तक वो स्टडी करेगा, लेटर ऑन वो वहां से आएगा, आने में भी थकावट होती है, उन्हें आ करके 3 o'clock उन्होंने खाना कुछ खाया और फिर 4 बजे से इंस्टीट्यूट जाना है और 4 to 8 इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, फिर वो 9 o'clock आपके घर आते हैं। आप मुझे बताइए, आपने कभी सोचा कि आपके वार्ड्स कितनी, इतना हाई टेंशन और हाई लेबर वर्क कर रहे हैं, कभी आपने सोचा? और जब आप इतना इंटेंस वर्क करेंगे तो आपने कभी सोचा कि उन्हें नॉलेज कितनी होगी सिर्फ स्टडी करने से? कंटिन्यूस पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और आप सोचेंगे कि बच्चे को नॉलेज होगी? नो पेरेंट्स, नहीं नॉलेज हो सकती है, वो आपके हार्ट के टुकड़े हैं। और जब तक किसी, जब मैं कोई किसी, मैं टीच करूँ स्टूडेंट्स को और स्टिल स्टूडेंट वो रिवाइज ना करे, उसकी प्रैक्टिस ना करे, तो मेरी टीचिंग से या किसी की टीचिंग से स्टूडेंट को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। आप कम पढ़वाइए लेकिन जितना पढ़े वो, उस सेल्फ स्टडी करना ही मेन स्टडी है। अगर वो सेल्फ स्टडी नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो किसी दूसरे के पढ़ाने से कोई फायदा नहीं हुआ। क्या आपने कभी सोचा कि मेरा बेटा क्या CBSE कवर कर पा रहा है? आपने CBSE भी डाल दिया और आप सोचते हैं कि इंस्टीट्यूट जा रहा है तो इंजीनियर भी बन जाएगा, डॉक्टर भी बन जाएगा। हाँ बनेगा, लेकिन आपने कभी सोचा कि क्या वो कवर अप कर पा रहा है? पहले तो वो CBSE कवर करे और CBSE कवर करने के बाद फिर आपके मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए आपको सोचना चाहिए। आप किसी को लोड उतना ही दो जितना वो बर्दाश्त कर सके। आप ऐसा मत करो कि इतना लोड दे दो कि वो गिर पड़े, उठ ही ना पाए। आप दीजिए लोड, धीरे धीरे लोड बढ़ाइए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हर दुनिया में कोई भी है तो वो धीरे धीरे लोड, उसको बर्दाश्त करने की क्षमता आ जाती है। आप लोडिंग दीजिए कि आपके बच्चे में एबिलिटी आए, पहले 1 घंटे बैठ पा रहा है स्टडी में, फिर 2 घंटे बैठे, फिर 3 hours बैठे, फिर 4 hours बैठे, बट हर चीज की एक लिमिटेशन है, और लिमिट मत करिए। और हर बंदे की अपनी एक कैपेबिलिटी है और हर बंदे का अपना एक इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इन केस अगर आनंद आ रहा है स्टूडेंट को, उसे मजा आ रहा है, तो फिर वो लॉन्ग टाइम तक वर्क कर लेगा और उसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी लोड उठाने की। और ये इवन मशीन्स को भी यही सिखाया जाता है। न्यू मशीन बनती है तो न्यू मशीन को तुरंत लोडिंग नहीं दी जाती है। तो मेरी एडवाइस है, आप अपने बच्चे को संभालिए, उससे प्यार करिए, आप इतना लोड मत दो कि वो कुछ ही नहीं कर पाए, तो पढ़ क्या रहा है। तो प्लीज आप माइंड करिए। अब कई टीचर्स ऐसे होते हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं, स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, आप पिक्चर में देखिए ना, जब आप हॉरर मूवी देखते हैं तो आपका ब्रेन किस टाइप का हो जाता है, और कोई धार्मिक मूवी देखते हैं तो उसकी म्यूजिक भी अलग होती है, उसके वर्ड वर्ड भी अलग होते हैं, और फ्रीक्वेंसी, वर्ड फ्रीक्वेंसी भी अलग होती है। टीचर जब तक एक्टिव नहीं होगा, टीचर में उत्साह नहीं होगी, टीचर में उमंग नहीं होगी, तो वो बच्चों में उत्साह, जोश और उमंग नहीं भर पाएगा। अगर कोई आदमी, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर कोई एग्जाम आदमी शांति से चुप्पे से बैठा है आलस्य के मूड में, लेकिन उसके सामने एक अच्छी सी म्यूजिक चल जाए, मान लीजिए देश प्रेम की म्यूजिक चल गई,
तो होगा क्या, उसमें जोश आ जाएगा, एकदम से उसका पूरा शरीर हिल जाएगा, एक एक रोम उसका हिल जाएगा और उसमें चेतना आ जाएगी। तो ये टीचर्स की ड्यूटी बनती है कि बच्चे के ब्रेन में एक्टिविटी और इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया जाए। टीचर को भी ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर हम ऐसे एक्शंस लाएं, ऐसी वर्ड और फ्रीक्वेंसी के वर्ड यूज करें, ऐसी बात बताएं कि स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट बहुत ही इजी लगे, बहुत ही सिंपल लगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे। टीचर ही क्लास में सोएगा, टीचर ही सुस्त रहेगा, टीचर ही बीमार रहेगा, टीचर ही नशा करके आएगा, तो बच्चे तो कैसे इंटरेस्ट बच्चे में डेवलप कर पाएगा, बच्चे को वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है और बच्चा उसे क्या सीखेगा और स्टूडेंट भी उसको क्या रिस्पेक्ट करेगा। तो प्लीज मैं टीचर्स को भी गाइड करता हूँ और पेरेंट्स को गाइड करता हूँ कि ये बच्चे हैं हमारे विश्व के, यही होनहार रत्न हैं, इनको हमें कैसे गाइड करना चाहिए। और ये दिमाग से पेरेंट्स और निकाल दें और स्टूडेंट भी निकाल दें कि आईएएस वो तो बन सकता था, हम नहीं बन सकते थे। नहीं, कोई भी आईएएस बन सकता है, किसी में टैलेंट की कमी नहीं होती है, बस उसको प्रॉपर गाइडलाइन मिलने में प्रॉब्लम होती है। पेरेंट्स खुद देखें कि जिस स्टेज पे पेरेंट्स बैठे हैं वो भी सोचते होंगे कि अगर अब मुझे थोड़ा इस टाइप की गाइडलाइंस मिलती तो मैं और भी द बेस्ट कर लेता। इसी तरीके हर बंदे के साथ लाइफ में होता है। माई गुड विशेस टू द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, आई अप्रिशिएट एंड प्लीज सब्सक्राइब इट एंड बेल आइकॉन को आप क्लिक करिए। अगर आप समझते हो कि मेरे शब्दों में दम है और मेरे शब्दों से बहुत से लोगों को फायदा होगा, कुछ वो सीखेंगे, पेरेंट्स सीखेंगे, बच्चे सीखेंगे, टीचर भी सीखेंगे, तो आप इसे सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट्स डालें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और मैं आशा करता हूं कि अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बच्चों को और पेरेंट्स को बुक्स के बारे में और फर्दर स्टडी के बारे में बताऊंगा कि कैसे पढ़ना चाहिए और हमें बुक्स कौन सी बुक्स फॉलो करना चाहिए। थैंक्स थैंक्स थैंक्स।